नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल फार्मर एंड फार्मिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल की जिससे किसान भाई कम लागत और कम इन्वेस्ट करके एक अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टमाटर की। टमाटर को कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इसकी बेड प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, प्लांट से प्लांट की दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, पौधे से पौधे की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, इसमें मुख्य जो बीमारी है वो कौन कौन सी है, तो आज इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं जिस प्लांट में हूँ वो आधे एकड़ का प्लांट है मेरा, और इसकी प्लांटिंग जो हुई थी वो हुई थी 25 फरवरी को, और आज ये जो है हार्वेस्टिंग के कंडीशन में है। इसकी हार्वेस्टिंग 2 दिन से हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं टमाटर जो है पक चुके हैं, इसकी आज हार्वेस्टिंग हो रही है। इसलिए दोस्तों मैं आपको इसका फ्रूट सेटअप दिखाता हूँ, जो फ्रूट सेटअप इसका किस तरह से हुआ है। नीचे के जितने फ्रूट है वो पक चुके हैं, इसकी हार्वेस्टिंग होगी आज। और ये अभी जो पूरे प्लांट में आप देख रहे हैं तो फ्रूट सेटअप जो है वो अच्छा हुआ है, प्लांट का जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा हुआ है। 4-4.5 फीट तक की इसकी लेंथ है पौधे की, तो ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हुई है। अभी फ्रूट जो है इसमें बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं। पूरा प्लांट जो है वो टमाटर से भरा हुआ है। देखिए ये इतना बड़ा पौधा है, ये कम से कम 4-4.5 फीट का है ये पौधा। अभी इसमें फ्लोरिंग भी है और फ्रूट सेटअप जो है वो बहुत अच्छे से हुआ है। अभी जैसा कि आप ये ऊपर के फूल देख रहे हैं, ये अभी इसकी जो टमाटर में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम है। एक दो फूल ही है जो कन्वर्ट होंगे टमाटर में, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इसको पूरी मात्रा में जो है इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है। और ये नीचे के जितने भी फल हैं वो फ्रूट न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ले रहे हैं पौधे से, इसीलिए ऊपर के जो फूल हैं उनको पूरी तरह से पूरी मात्रा में इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है, जिससे कि ये फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो बात करें बेड प्रिपरेशन की, तो बेड जो प्रिपेयर करवाया था हमने बाई हैंड करवाया था, और ट्रैक्टर के थ्रू भी किया जा रहा है आजकल, बट हमने हैंड के थ्रू करवाया था लेबर से। तो बेड की जो दूरी है, बेड से बेड की दूरी है, एक बेड ये है और सेकंड जो बेड है ये है। बेड से बेड की जो दूरी हमने 2-2.5 फीट तक रखी थी, और प्लांट से जो प्लांट की दूरी है वो 1-1.5 फीट तक रखी है, बट ये 1.5 फीट से अबव होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस अच्छी होने से क्या होता है, प्लांट में जो गैप है वो अच्छा मिलता है, इनको हवा पानी जो है अच्छे से मिलता रहता है, और फ्रूट सेटअप जो है बहुत अच्छे से होता है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी देखी जाती है। अभी जो इसमें बात करें बीमारी की, जो बीमारी मुख्य 2 बीमारी है इसमें, एक है अगेती झुलसा जिसे इंग्लिश में अर्ली ब्लाइट बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है अपना लेट ब्लाइट पिछेती झुलसा। अभी इसमें इस प्लांट में जैसा आप अभी दिखाते हैं आपको, इसमें अर्ली ब्लाइट लगी थी पहले, ये देखिए अर्ली ब्लाइट में क्या होता है, ये पत्ते जो है धीरे धीरे सूखना स्टार्ट कर जाते हैं, और सूखते सूखते यदि इसकी रोकथाम नहीं की गई तो ये पूरे प्लांट को ख़त्म कर देता है एकदम, सब कोई पत्ता नहीं रहेगा, सिर्फ फल फल रहेंगे, और फल की कंडीशन भी उतनी अच्छी रहती नहीं, शाइनिंग नहीं होती फल में। इसकी स्प्रे जो करी थी हमने वो 15 दिन हो गया है। अभी जो हल्का सा इसमें दोबारा से लेट ब्लाइट दिख रहा है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें हल्के हल्के जो धब्बे हैं, कल इसका स्प्रे करेंगे लेट ब्लाइट का। दोस्तों तीसरी जो बीमारी होती है इसमें लीप माइनर की होती है। लीप माइनर अभी हमारे प्लांट में बहुत कम दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यदि कहीं दिख जाता मुझे तो। लीप माइनर में क्या होता है दोस्तों, लीप माइनर में जो क्या होता है, इसमें पत्ती में लाइनें खिंच जाती है, जैसे आप देख सकते हैं ये पत्ती में लाइनें खिंची हुई है, तो हमारे प्लांट में बहुत कम दिख रहा है, ये बीमारी जो है बहुत कम है। अभी जो है लेट ब्लाइट ज़्यादा दिख रहा है, और आप देख सकते हैं दोस्तों फ्रूट सेटअप बहुत अच्छा, प्लांट की ग्रोथ, पूरा प्लांट जो है आधे एकड़ का प्लांट है ये, तो बहुत ही अच्छा हुआ है। और दोस्तों बंधाई भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो जैसे हमने ये छोटे छोटे पिलर टाइप के दिए हैं, और दूसरा जो है वो आप मचान टाइप का भी दे सकते हैं, बड़े बड़े खंभे लगा के 2 साइड में कैंची बना के उसमें तार खींच के फिर प्लांट को जो है धागे से लपेट के उसको अच्छे से खड़ा किया जाता है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना प्लांट आपको कैसा लगा, और जो फ्रूट सेटअप है इसका टमाटर जो है वो कैसा लगा आपको। अभी देखिए आप ये पूरा प्लांट जो है
टमाटर से भरा हुआ है। ये देखिए, वो टमाटर की खेती में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सा मेथड है इसमें। छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके अच्छा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, एक तो पानी, गर्मी के मौसम में यदि करते हैं इसको तो पानी का में विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें हर 10-5 दिन में 7-8 दिन के बीच में अंतराल में इसमें पानी देना होता है। पानी देने से क्या है कि ज़मीन में ठंडक बनी रहती है, इससे प्लांट की ग्रोथ और फ्रूट सेटअप जो है वो बहुत अच्छे से होता है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना टमाटर का प्लॉट आपको कैसा लगा और जो प्लांट है और फ्रूट सेटअप है वो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके सपोर्ट से ही इसी तरह की वीडियो और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों टमाटर के प्लॉट के अगले साइड आप देख सकते हैं खीरे का फसल है, खीरे की फसल की हम पूरी जानकारी अगले वीडियो में देंगे आपको। चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।